अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आपके इल्म में है कि शाहीन ताइक्वांडो अकेडमी की 68 बैच कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह 23rd ऑफ अक्टूबर को, और इस हवाले से हमारे दरमियान एक पेरेंट्स मौजूद हैं और स्टूडेंट भी हैं, और इन्होंने इस इवेंट में पार्टिसिपेट भी करा और इनका रैंक भी चेंज हुआ है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एंड आई एम सना। मैं मिस महराज फातिमा की स्टूडेंट भी हूँ एंड एज अ पेरेंट भी मैं यहाँ पर पार्टिसिपेट रही हूँ। मेरी बेटी नूरुल ईमान है, यहाँ पर अच्छे से रहती है माशाल्लाह, महराज फातिमा की वो भी स्टूडेंट है, और मुझे ये फ़र्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पर एकेडमी में आने की, और इतना अच्छा जो है सेलिब्रेशन यहाँ पर हुआ था। 68th बैच यहाँ से पास आउट हुआ है, और इतने अच्छे ब्रिगेडियर सेक्टर हमारे कमांडर्स जो हैं यहाँ पर मौजूद थे। रेंजर्स को देख के एक अच्छी ही एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही थी, और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स थे उनमें भी एक पॉजिटिव एनर्जी आई थी कि हमें देखने के लिए स्पेशली कमांडर्स जो हैं हमारे पास आए हैं, और जो फ़ौज है पाक फ़ौज हमारी, वो हम लोगों को इतना जो है मोटिवेट कर रही थी। जो हमारे कमांडर्स थे सब ने बहुत अप्रिशिएट किया, और ये वैसे तो सुना था मैंने कि सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर आती हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मुझे देखने का चांस भी मिला। और माशाल्लाह से शाहीन टाइक्वांडो को मैं शाहीन अकेडमी को कहूँगी कि वेल डन, कीप इट अप। एंड डॉक्टर जो शहबाज हैं वो जाहिर सी बात है यहाँ के टाइक्वांडो जो है फाउंडर भी हैं शाहीन क्लब के, और मिस महराज फातिमा उनके साथ होती हैं, तो बहुत वेल डन, कीप इट अप। आई रियली अप्रिशिएटेड इट एंड रियली अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आई वॉन्ट ऑल ऑफ द किड्स टू वर्क हार्ड, और हेल्थ के लिहाज से भी ये बहुत नेसेसरी है, क्योंकि आजकल के बच्चों को कहीं बाहर खेलने का टाइम नहीं है और मौका नहीं मिलता। तो मैं चाहती हूँ कि आप पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, और जितने भी लोग हैं मेरी ये इंटरव्यू सुन रहे हैं, तो वो आइए यहाँ पर टाइक्वांडो के लिए, अपने बच्चों को राज़ी करिए और ख़ुद भी जो है मोटिवेट कीजिए, क्योंकि मैं एज़ अ मदर मैं ख़ुद भी यहाँ पर टाइक्वांडो सीखती हूँ और अप्लाई करती हूँ, एंड एज़ अ गुड हेल्थ हाइजीन ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।